नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बंगाल T20 के आज के दिन के दूसरे मुकाबले की सीरीज़ का। देखा जाए दोस्तों तो ये 14वां मुकाबला रहने वाला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम BIC वर्सेस टीम HOD के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि इन दोनों टीम्स ने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्म किया है और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोग किस प्लेयर को अपनी टीम में ऐसा कैप्टन पिक करके चल सकते हो और किस प्लेयर को अपनी टीम में एज अ वाइस कैप्टन पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए स्मॉल लीग के लिए कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे और आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट प्लेयर कौन से रहेंगे, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हो या फिर कुछ अर्न करना चाहते हो। तो बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय हमारे चैनल पर दोस्तों 8000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो। तो एक काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों आप सबसे पहले चलते हैं ऐप मतलब स्कोर कार्ड की ओर, जहाँ पर मैं आपको दोनों टीम का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ टीम BIC की तो ये अपना लास्ट मुकाबला जीत के आ रहे हैं MOCB से 8 रनों से। इस मुकाबले में इनके टीम ने 141 रन बनाए थे और इन्होंने अपोनेंट को 20 ओवर के अंदर 133 रन बनाने दिए। तो इनकी ओर से स्वप्नदीप कबीराज और अरिजीत बासु ओपन करने आए थे। स्वप्नदीप कबीराज ने 33 रन की शानदार पारी खेली और अरिजीत बासु ने भी 5 गेंदों पर 3 रन बनाए और आउट हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अरिंदम घोष ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 49 गेंदों पर 64 रन बनाए। नंबर 4 पर आए यहाँ पे रजदीप पाल जिन्होंने दोस्तों 2 गेंदों पर 1 रन बनाया। सूरज चौधरी ने दोस्तों यहाँ पे 7 गेंदों पर 3 रन बनाए। प्रयास घोषाल ने दोस्तों यहाँ पे 18 गेंदों पर 16 रन बनाए। त्रिथांकर भंडारी जो कि इस टीम के कैप्टन है, इन्होंने दोस्तों मात्र 4 गेंदों पर 7 ही रन बना पाए। तो उनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे स्वप्नदीप कबीराज रहने वाले हैं, अरिंदम घोष इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, इसके अलावा दोस्तों आपके लिए यहाँ पे राजदीपाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उनकी ओर से देखा जाए दोस्तों ये 3 या 4 प्लेयर जो स्टार्टिंग के हैं वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रन यही प्लेयर्स अपनी टीम के लिए बना पाएंगे और अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूं इनकी बॉलिंग की तो बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार कराई गई इनके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इमरान अंसारी ने 4 ओवर की बॉलिंग की, मात्र 13 रन दिए, 4 विकेट निकाले। राजदीप पाल ने भी यहाँ पे दोस्तों 4 ओवर की बॉलिंग करके 29 रन दिए, 1 विकेट निकाला। अरिजीत बसु ने दोस्तों अपनी टीम के लिए 3 ओवर की बॉलिंग की, 17 रन दिए, 2 विकेट निकाले। और यहाँ पे रोहन पांडे ने भी दोस्तों 3 ओवर की बॉलिंग की, 19 रन दिए, 1 विकेट निकाले। तो इनकी ओर से देखिए दोस्तों इमरान अंसारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राजदीप पाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, रोहन पांडे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और अरिजीत बासु आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये दोस्तों इनके मेन बॉलर्स हैं और यही बॉलर्स आपको अच्छी खासी विकेट निकाल कर दे सकते हैं। वहीं पर बात करूं दोस्तों मैं टीम डायमंड की तो ये अपना पिछला मुकाबला हार के आ रहे हैं 6 विकेट से। इस मुकाबले में इनकी टीम 18 ओवर के अंदर मात्र 84 रन बना पाई और ऑल आउट हो गए, जबकि इनके अपोनेंट ने इस टारगेट को 18वें के अंदर चेस के लिए और 4 विकेट भी गंवा दिए थे। लेकिन इनकी ओर से देखा जाए ओपन करने यहाँ पे दोस्तों आए थे आरिफ अंसारी जिन्होंने 9 रन बनाए थे। इसके अलावा अभिषेक मिश्रा ने दोस्तों यहाँ पे 9 गेंदों पर 7 रन बनाए। महमूद इरफान अंसारी ने दोस्तों यहाँ पे 13 गेंदों पर 17 रन बनाए। स्टालिन घोष जो कि इस टीम के कैप्टन है, इन्होंने दोस्तों 17 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके आसिफ हुसैन ने दोस्तों यहाँ पे 10 गेंदों पर 11 रन बनाए। आमिर गनी ने दोस्तों यहाँ पे 13 गेंदों पर 12 रन बनाए। रूपक राजभर ने दोस्तों यहाँ पे 6 गेंदों पर 5 रन बनाए। सब्यसाची दास ने दोस्तों यहाँ पे 4 गेंदों पर 1 रन बनाया। कृष्णानु भट्टाचार्य ने यहाँ पे दोस्तों 6 गेंदों पर 4 रन बनाए और प्रीतम चक्रवर्ती ने दोस्तों यहाँ पे 0 रन बनाए। दीपक कुमार सिंह नट आउट रहे पर खाता यहाँ पे नहीं खोल पाए। तो इनकी ओर से देखा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो यहाँ पे MD आरिफ अंसारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि इनके विकेट कीपर हैं क्योंकि ये आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट कलेक्ट करके देंगे और सबसे बड़ी बात आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक मिश्रा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इरफान अंसारी भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और स्टालिन घोष और यहाँ पे आमिर गनी। तो इनकी ओर से जो ये 5 बैट्समैन हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये 5 बैट्समैन अपनी टीम के लिए टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनकी ओर से आप इन 5 बैट्समैन को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो। अब मैं बात करूं दोस्तों इनकी अगर बॉलिंग की तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों इनकी टीम देखी है, यहाँ पे आमिर गनी ने 4 ओवर की बॉलिंग की, 7 रन दिए, 2 विकेट निकाले। रूपक राजभर ने प्रॉपर 4 ओवर की बॉलिंग कराई, 20 रन दिए पर विकेट लेस रहे। इसके अलावा दीपक कुमार सिंह ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई। प्रीतम चक्रवर्ती ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई, 4 ओवर में 24 रन दे के विकेट निकाला। बाकी यहाँ पे दोस्तों सब्यसाची ने भी यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग कराई, विकेट नहीं मिला। और किसानो भट्टाचार्य ने भी यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग कराई, यहाँ पर भी इनको विकेट नहीं मिला। तो इनकी ओर से इनके जो मेन बॉलर्स रहेंगे वो यहाँ पे दोस्तों आमिर घनी इनके मेन बॉलर रहने वाले हैं,
इसके अलावा प्रीतम चक्रवर्ती इनके मेन बॉलर रहने वाले हैं और यहाँ पे रूपक राजभर इनके मेन बॉलर रहने वाले हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं ऐप की ओर, जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करूँ मैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आपके सामने तीन प्लेयर हैं। आरिफ अंसारी, ये अपनी टीम के लिए लास्ट मैच में ओपन किए थे, तो आप इनको ही यहाँ पर पिक करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दूसरी पिक आएगी अरिंदम घोष की, जिन्होंने लास्ट मैच में 64 रनों की काफ़ी शानदार पारी खेली। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एस कबीराज खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने भी लास्ट मैच में 33 रन बनाए थे। तो यहाँ पर अगर आप पिक करना चाहें तो इन तीनों में से आपको ए घोष को पिक करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी। तो इस मैच में भी आप इनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर जाए। लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट यहाँ पे ट्राई करना चाहें तो आरिफ अंसारी को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो, क्योंकि ये बंदा लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए ओपन करने आया था और काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म भी किया था, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया था। तो आप चाहो तो इसको अपनी टीम में यहाँ पे आज के मैच में पिक कर सकते हो, ऐसा डिफरेंशियल पिक के तौर पर रिस्की रहेगा। लेकिन अगर आज ये रन बनाता है तो आप सारे कॉन्टेस्ट को वन साइडली विन कर पाओगे। तो ये मैं चॉइस आपके ऊपर दे देता हूँ कि आप लोग अगर इस प्ले को पिक करना चाहो तो अपनी टीम में कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए पी घोषाल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा नीचे से बसु आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। बाकी यहाँ पर एक और प्लेयर आप पिक करना चाहो तो यहाँ पर पहली पिक आती है अभिषेक मिश्रा की, दूसरी पिक आती है यहाँ पे एस के आसिफ हुसैन की। तो यहाँ पर मैं ए मिश्रा के साथ जाऊँगा, क्योंकि एस आसिफ हुसैन का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे, जबकि ए मिश्रा आपको टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। तो इसी कारण से यहाँ पर मैं ए मिश्रा को अपनी टीम में पिक करूँगा और एस आसिफ हुसैन को अपनी टीम से मैं बाहर रखूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए ए गनी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो आर राजभर ने भी लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, प्रॉपर 4 ओवर की बॉलिंग की, पर इनको विकेट नहीं मिला। पर प्लेयर इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैच में आराम से आपको 2 से 3 विकेट निकाल कर दे सकता है। इसके अलावा आरपाल को यहाँ पर पिक करेंगे। बाकी आप अगर पिक करना चाहो तो टी भंडारी को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, जिन्होंने लास्ट मैच में देखा जाए तो कुछ भी खास परफॉर्म नहीं किया था। तो अभी के लिए यहाँ पर जो तीन मेन ऑलराउंडर्स हैं मैं उन्हीं के साथ जाने वाला हूँ। बॉलिंग की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर मैं इमरान अंसारी को पिक करूँगा। इसके अलावा दोस्तों पी चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे से देखा जाए अगर के मेहती खेलते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको ज़रूर अपनी टीम में पिक करके चलिएगा। बाकी अभी के लिए यहाँ पर मैं दोस्तों अपनी टीम में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों सब्यसाची दास की पिक आप इनको पिक कर सकते हो, और इसके अलावा देखा जाए तो डी कुमार सिंह की पिक है, इन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी पर इनको विकेट नहीं मिला था, पर आज आप इनसे उम्मीद लगा सकते हो कि इनको यहाँ पर विकेट मिल जाए। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हमारी जो टीम है वो रेडी हो चुकी है। मैंने अपनी टीम में 6 प्लेयर HOD के पिक किए हैं और 5 प्लेयर मैंने यहाँ पे दोस्तों टीम BIC के पिक किए हैं। देखा जाए दोस्तों तो इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर कहा जाए तो मैंने वन साइडेड टीम HOD के फेवर में बनाई है। आप चाहो तो यहाँ पर एक चेंज कर सकते हो कि डी कुमार सिंह की जगह पर यहाँ पर टी भंडारी को पिक कर सकते हो, ताकि आपकी जो टीम है वो बैलेंस्ड हो जाए। इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। टीम प्रीव्यू की मैं बात करूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ए घोष को ऐसा विकेट कीपर पिक करके रखा है, जिन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी विकेट बल्लेबाजी की थी। आप चाहो तो यहाँ पर इनकी जगह पर जो प्लेयर हैं दूसरे उनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर ए मिश्रा को रखा है, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। ए बसु को रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैंने पी घोषाल को रखा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर मैंने राजभर को अपनी टीम में रखा है, जो कि आज के मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लग रहा है, क्योंकि 4 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग कराएगा। लास्ट मैच में पर इसको विकेट नहीं मिला था, पर आज के मैच में विकेट मिल सकते हैं। एक यानी बेस्ट प्लेयर है, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, और गेंदबाजी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी लास्ट मैच में। मैंने टी भंडारी को रखा है, आप चाहो तो इनकी जगह चौधरी को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आर पाल को अपनी टीम में पिक करके रखा है। बॉलिंग की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर मैंने एस दास को अपनी टीम में पिक करके रखा है, यहाँ पर मैंने पी चक्रवर्ती को पिक करके रखा है, ये भी अपनी टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने इमरान अंसारी को भी अपनी टीम में पिक करके रखा है, ये भी अपनी टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो बात की जाए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाया जाए, तो एक घनी से बेस्ट चॉइस आपके लिए कैप्टन की कोई रहेगी नहीं। वाइस कैप्टन यहाँ पर आप इमरान अंसारी को बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शानदार गेंदबाजी की थी, और इस मुकाबले में भी ये काफ़ी शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट जो टीम है ना वो दोस्तों HOD की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो आज भी हो सकता है कि यहाँ पर जो इमरान अंसारी है ना वो आज आपको विकेट निकालते हुए नजर आ जाए। तो आप चाहो तो इसको पोजिट भी कर सकते हो, लेकिन एक घनी मिडिल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी करके देते हैं, और उसके अलावा 4 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी भी करते हैं। इसी कारण से मैं कैप्टन एक घनी को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन इमरान अंसारी को बनाऊंगा। तो हमारी जो टीम है दोस्तों रेडी हो चुकी है। आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लें, इसका प्रीव्यू ले लें, जहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट रहे वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हैं। इसी टीम के साथ दोस्तों मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा, और इसी टीम के साथ दोस्तों मैं हेड टू हेड कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करूँगा। बाकी दोस्तों अगर हमारी इस टीम से कोई भी प्लेयर ना खेले तो आफ्टर लाइनअप टॉस के बाद जो भी मेरी 100% विनिंग टीम होगी, या फिर दोस्तों जिस टीम के साथ मेरा खुद इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिस टीम से मैं दोस्तों खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा,
वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिले और बिल्कुल 100% फ्री टीम मिले, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अभी के समय 8,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, बाकी मेंबर्स की तरह मेरी दी गई फ्री टीम का प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटा ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इंपॉर्टेंट, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हों जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट ऑलवेज आप विन करते रहें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।